तो गाइस मैं इतना आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं। लेकिन मेरे मियाँ जी ने मुझे जिंदगी में पहली दफा बहुत रूडली बोला है कि यार कोई काम खुद भी कर लिया करो। मगर ये कि आज मौका मिल गया सोने का, मैंने कभी मना किया नहीं, मगर मैं हिला ही नहीं। महवेश नाश्ता दे दो। एक तो सुबह उठे नहीं मुझे छोड़ने के लिए, ऊपर से अभी देखो जरा लंबी कर दी खाने के मामला में, इतना टाइम तो लगता नहीं। वैसे अमूमन रोज क्या हो गया, काम से जा रही हूँ बता के इतनी होश आ गया है। अभी रुक जा मैं ले चलता हूँ, क्या हो गया? तो बस अभी यहाँ पर मैं अपने हथियार फेंक रहा हूँ, बहुत मस्ती कर ली, इससे ज़्यादा मस्ती भारी बढ़ जाएगी। चले बस दोस्ती। अरे बाबा मस्ती करो तो क्या, आइसक्रीम खिला, आइसक्रीम आ गया, खाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं गोपी बिलावी, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, सारेब का व्लॉग। तो गाइस मैं इतना आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और मैंने व्लॉग सुबह शुरू करना है, मगर मैं अभी शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आखिरी व्लॉग में याद होगा मैंने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जो मैंने कभी नहीं किया, और वो ये है कि हम आज के पूरा दिन सरनाप को करेंगे इग्नोर। तू तो गया बेटे, इग्नोर फुल टाइम इग्नोर। तो मैंने सरनाप को ही बोला कि सरनाप मुझे कल जो है ना व्लॉग बनाना सुबह, तो जब आप ड्यूटी पर जाएंगी ना तो मुझे उठा देना। तो मैंने सरना आपको ये बोला है कि सुबह जो है ना उठ के व्लॉग शुरू कर लेना क्योंकि आप मुझसे पहले उठती हैं, क्योंकि मैंने अभी जो है ना वो कंसिस्टेंट होना है तो फिर हम जो है ना पूरी रूटीन आज की बनाएंगे। तो सुबह होता ये कि सरना आपको मैं हॉस्पिटल छोड़ने जाता हूँ, जो कि आज मैं नहीं जाऊँगा। बस कुछ नहीं, अभी सो रहा हूँ, गुल समझरी रूटीन रिकॉर्ड हो रही है। आज का व्लॉग यहाँ से शुरू होता है, इग्नोरिंग माई वाइफ ही सरना फॉर 24 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारेब यूट्यूब चैनल। नहीं ऐसे नहीं था, नींद में हो ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और आज का व्लॉग क्या है? आज का व्लॉग है हमारी डेली रूटीन। टाइम हो रहा है 8:30 और मैं बस तकरीबन थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जॉब पर जाना है और आज मेरा हाफ डे, तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो बस अभी फटाफट से मैंने अपने बादाम खाने हैं और मैंने चेंज करना है, और वैसे चेंज करके मैंने यही कलर पहनना है, चेंज करना है और फिर मैं जाऊँगी, फिर मेरे मियाँ जाएंगे मुझे छोड़ने जॉब पर। तो फटाफट से पहले चेंज करके आते हैं। सो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, एक मिनट, अब किया है मैंने चेंज। तो अब मैं फटाफट से जाऊंगी क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ और मुझे वहाँ पर होना होता है 9:10 पे, और 9:05 हो रहे हैं और जरा नाफत में यहाँ पे खड़ी व्लॉग बना रही है, और मेरे साथ एक बैड सीन हो गया, लेकिन मैंने अपना मूड ख़राब नहीं किया। मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ सीन ये हुआ कि मैं बड़ी प्यारी लगी बस, मेरे साथ सीन ये हुआ कि मैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से अपने मियाँ को उठाने गई थी कि मियाँ जी आ जाए मुझे छोड़ाए। लेकिन मेरे मियाँ जी ने मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा बहुत रूडली बोला है कि यार कोई काम खुद भी कर लिया करो, मतलब okay. इसलिए मैं गुस्से में खुद जा रही हूँ। अभी जब उठेंगे ना फिर मैं आके इनसे पूछूंगी, शायद नींद में थे तो उन्होंने बोल दिया होगा, खैर हो गई। सही कह रहे थे कभी खुद भी कुछ कर लिया करो सरनाब, हर काम लारिब से करवाना, हर काम लारिब से करवाना, मतलब क्या हो गया है। तो बस अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ पहुंच के, इंशाल्लाह फिर वहां पर तो मैं काम ही करूंगी ऑब्वियसली, फिर जब वापस आऊंगी तो फिर हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय। बाय तो नहीं, मतलब वेट। हेलो, मैं गोपी बिलावी, व्हाट्स अप। बेगम जो है ना वो उठा उठा के ऑफिस चले गए। आपका भाई जो है ना वो मस्त सोता रहा, टस से मस्त नहीं हुआ। और अली पका हुआ था रात को ना कि अपना आज बनाएंगे व्लॉग, तो बनाना सुबह से अपना, पता नहीं क्या करती भी नहीं करती। खैर क्योंकि हमारे व्लॉग्स जो है ना वो अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहे थे, फिर मैं मर्ज करता हूँ। मगर ये कि आज मौका मिल गया सोने का, मैंने कभी मना किया नहीं, मगर मैं हिला ही नहीं। तो अभी ना फिर सोते हैं उस्ताद, अब आएंगी 12:30 तब उठते हैं। ड्यूटी हो गई है ख़त्म, और आपकी बहन ने आज बहुत ही गलत गाड़ी पार्क की थी क्योंकि जगह नहीं थी, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट भी हो गई थी, जगह नहीं थी, तो मुझे जहाँ पे जगह मिली मैंने गाड़ी घुसा दी, और कोई मुझसे भी बेहतरीन ड्राइवर आया था, उसने बिल्कुल मेरे साथ चिपका के गाड़ी लगा दी। और अब घर जाएंगे और आज मैं बनाऊंगी आलू वाले चावल, क्योंकि चावल खाने का मेरा बहुत मन हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास चावल है ना यार, वो अच्छे नहीं है, उनकी किस्म अच्छी नहीं है। और अब अगर गाड़ी लग गई तो लाली की गलती है, क्योंकि लाली को मैंने सुबह उठाया था बहुत प्यार और मोहब्बत से, और उन्होंने मुझे धुतकार दिया था कि गो बाई योर ऑन। तो अब अगर कुछ होता है तो लाली ही यू आर रिस्पॉन्सिबल। बाय द वे यार, बाल अच्छे लग रहे हैं मेरे, पहले क्यों नहीं कटवाए मैंने, लेकिन छोटे हो गए हैं बाल, हर वक्त तो ऐसे नहीं रहेंगे ना यार।
खैर अभी फटाफट घर चलते हैं, इंशाल्लाह खैर खैरियत से फिर घर पे जाके मिलते हैं, देखते हैं लाली उठे या नहीं उठे। ये भी मैंने आके इनको उठाया है, और आपको पता है आपने मेरे साथ सुबह क्या किया है? क्या मैंने आपको सुबह उठाया था छोड़ के आने के लिए, आपने मुझे बोला कोई काम खुद भी कर लिया करो। अबे लेके गाड़ी क्या हो गया? तो चली तो गई थी, तो ऐसे बोलते हैं आपकी बेगम हो ना, आपकी जिम्मेदारी हूँ। तो भाई वो वाले काम भी कर रहा था ना कल, सारा दिन जागे हैं सब करे, तो क्या हो गया? तो सड़े हुए क्यों, खा क्यों रहे? खाना नहीं मिला? ओले ले लो, खाना बना के देता हूँ। तीनू नीनू 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 क्या है गाइज, आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं मेरे साथ? Look at this dude. एक तो सुबह उठे नहीं मुझे छोड़ने के लिए, ऊपर से भी देखो जरा होश करे, होश के नाखून ले, होश के नाखून ले, होश के नाखून ले, होश के नाखून ले। हेलो मैंगो पीपल, गुड मॉर्निंग। मिल गए भाई छिले हुए अपने को बहुत सारे बादाम, ये अपने को रोज के 10 मिलते हैं, ये मजे होता है। ये भी बताया कि मेरी बेगम निकाल के देती है मुझे, आज का दिन आज शुरू करते हैं। और आज आपका भाई करेगा बहुत सारी गेमिंग, क्योंकि काफी दिन से आपके भाई ने नहीं खेला कोई भी गेम। मैंने स्टार्ट बना लिया हुआ है ब्लॉग का। मैवेश नाश्ता दे दो। अरे मैं बनाऊंगी ना, मैं देती हूँ ना आपको, जल्दी दे दो यार। अरे मैं दे रही हूँ ना, मैं लाली मैं दे रही हूँ ना, बना रही हूँ चावल। टाइम देखो यार, नाश्ता दे दो। अरे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, मैं दे देती हूँ नाश्ता आपको, रुक जाए छोड़ दो। 10 मिनट हो गए घर ना उठे नहीं, मैं बोला नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो। सन्नाब जो है ना हॉस्पिटल से आके कुछ ना कुछ बनाती है, पर मैं वो खाता तो अभी ना फिर ड्रामा करता हूँ। यार बहुत मुश्किल है, मतलब वो आती है मैं मस्तियाँ करता हूँ, मैं मतलब भाव ही दे रहा हूँ, मेरी चिट्ठी बन के बैठा। यार 15 मिनट हो गए, उठ जाओ यार, नाश्ता दे दो यार, क्या सीन है? मेरा मोबाइल तो मैं फूड पांडा से ऑर्डर करूं यार, सही है बस, 7 घंटे कब से बैठा हूं, दे दो यार तुम मोबाइल। अभी जो है जरनाब बना रही है चावल और आलू, मतलब पुलाव बना रही है। कल हमारी बात हुई थी कि इनको फ्रूट्स, इनके अगर अब कराची आ गए तो फ्रूट्स बहुत शौक से खाती, तो फ्रूट्स मैं मंगाता हूँ ना फ़ोन करके, तो फ्रूट्स पूछते हैं। मैं फ्रूट्स जरनाब से नहीं बच्ची से पूछूँ, हालांकि मैं जो है ना सारे काम जरनाब को बोलता हूँ, पर अभी उससे पूछते हैं, जरनाब आगे से पूछ देंगी तो फिर देखिए। नो कुछ जगह पर मैंने जो है ना वो कैमरा प्लांट करूँगा, देखता हूँ, वरना मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी इग्नोर किया जाए, मगर यार मस्ती भारी पड़ती है, कभी किया नहीं ना प्रैंक। बेटा कौन कौन से फ्रूट मंगाने थे जो नहीं थे घर पे, क्या सीन है? अनार अभी निकाल रहे हैं, बाकी फ्रूट सारे लेकर आ गए थे इधर, खुद ही देख लेता हूँ कौन सा नहीं है क्या नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, फ्रूट सारे आने, अनार पड़े हैं सिर्फ और बाकी आने, और क्या थे तरबूज भी ले लिया, अभी मंगा लेते हैं, फिर अभी फ्रूट वाले को फोन करना पड़ेगा। क्या क्या थे चले मैं भी बेटा, और कौन से थे? एप्पल पड़े हुए नहीं पड़े हुए, चलो बस, और केले पड़े हुए नहीं है, चलो मैं फ़ोन करता हूँ भाई को, भाई अभी अपन मंगवा लेते हैं टाइमली, ताकि अभी आ जाए, बेर भी लाना है, चलो। बहरहाल अभी जो है ना भाई वो बन रहे हैं पुलाव, ओए होए आलू चावल, आपका भाई जो है ना वो मस्त। पहले तो फूड पांडा से खाना मंगाना पड़ा था, क्योंकि पता नहीं अभी क्या आज लंबी कर दी खाने के मामलात में, इतना टाइम तो लगता नहीं वैसे अमूमन रोज। चलो आज भाई आपके भाई ने जो है ना वो प्ले स्टेशन के गेट्स भी एल्कोहल स्वैप से साफ कर लिए, ज़रूरी होता है कि अगर आप इसको साफ रखो तो जो है वो, अगर आप इसको साफ रखोगे तो ये मस्त एकदम हाइजीनिक रहते हैं। तो आज आपका भाई जो है ना वो क्रिकेट 24 की अनबॉक्सिंग करेगा, आज अपन क्रिकेट भी खेलेंगे। ये यहाँ ब्रश क्या कर रहे हैं बताओ भाई? आज घर में हमारे प्ले स्टेशन के पास ब्रश रखा हुआ है, बताओ भाई पता नहीं क्या चल रहा है घर में, समझ से बाहर है, सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी ही हुई हुई हैं।
आपका भाई जो है भाई साहब बहरहाल फ्रूट तो सभी मंगाने मुझे खुद भी याद था कल रात को नोट पे लिखा था मगर ये खुद भूल जाती है चलिया पता नहीं आज तो खाना कभी मिलेगा। खैर आपके भाई जाने से पहले जो है ना दो वायर्स लेकर आया था गाड़ी में डालने के लिए क्योंकि टाइप सी थी और एक नॉर्मल वाली थी एंड्रॉइड तो फिर सी ऑन हो जाता है क्योंकि फिर कभी कभी जो है ना जब हॉटस्पॉट किया होता है तो चार्जिंग बड़ी जल्दी लो जाती है। चलो चलते हैं जो है वो हाँ चलते हैं अपनी शराब पहन के लेट्स गो। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बीवी मेरी उबलना शुरू हो गई है। खैर ये तो मैं बहाने से लाया था हाँ ये तो मैं लाया था मगर अब ये के रख दे तो गाड़ी साफ भी करवानी है आज क्योंकि ये फटफट से गए। चलो वापस चलते हैं। तो भाई फाइनली खाना आ गया वरना तो मैं आज सोच रहा था कि घर में आज खाने को मिलेगा ही नहीं आज तो मैं भूखा ही रहूँगा। चलो गैरत तो आई चलो थोड़ा लेट सवेर हो गया मगर चलो खाना तो मिल रहा है कम से कम वरना तो मैंने सोचा था आज तो पूरा दिन अपने को ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। खैर अच्छा लग रहा है खाना देखते हैं खाने में कैसा लगता है। जिम्मेदारी हो जाए ना तो बस सारी चीज़ हो जाती है साहब जिम्मेदारियाँ संभालना बड़ा मुश्किल चीज़ है। चलो भाई साहब भाई आज का खाना इतना इंतज़ार करा नमक भी कम है यार नमक ले आओ यार जी पता नहीं क्या ही लग चल रहा है देर सवेर चीज़ भी मिले और फिर सही भी ना हो तो बंदा पता नहीं क्या। खास मसला है आपको दिमाग ख़राब हो गया आपका लग रहा है। चलो भाई ऐसे व्लॉग बनाते हैं जो मुंह में आ रहा है नाप शनाप बोले जा रहे खाना खाए नहीं खाना ना उसके बाहर से जाके खा ले। चलो मेरा पेट तो भरने में लगा रहा आपका बड़ा शुक्र है कि आपने हमें खाना नसीब फरमाया। बड़ी जल्दी याद आ गया जब इतने लुक्स निकाल निकाल के व्लॉग में बता रहे थे तो व्लॉग में ये भी बताया कि तीसरी दफा जाके प्लेट भर कर लेकर आए। आपसे बात कर रही हूँ। A few moments later. लारा आपका दिमाग आज खराब तो नहीं हो गया मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग खराब हो गया। Abnormal. भाई साहब फ्रूट जो है वो घर पर आ गया है खाना खाना अभी हो गया है फ्रूट वाला भाई भी आके फ्रूट देकर चला गया है। अब जो है ना बहुत ज्यादा हो रहा है तो एक आवाज मार के बुला देता हूँ फिर इग्नोर करते हैं। जनाब आपके फ्रूट आ गया आपका ये जो है वो ये था यार आपके भाई ने जो है वो बेर बनाना एप्पल अमरूद स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन और नींबू भी मंगा दिए मुझे याद था खैर और बस अभी जो आपका भाई थोड़ी देर बाद जो है वो बाद गेम्स खेलेगा उसके बाद जो है ना अपन थोड़ी सी वर्जिश करने जाएंगे और फिर जो है सही हो गए फिर जो है आपका भाई एक्सरसाइज करने के बाद बिना प्रोटीन शेक पीने के बाद प्रोटीन शेक तो वैसे मैं नहीं पीता मैं पीता हूँ कैमल मिल्क तो वो जो है आपके भाई को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मगर खैर मैंने अभी अभी एक्सरसाइज वापस शुरू करी थोड़े दिन हुए मुझे अभी वापस शुरू किए हुए दो दिन ही गया था और फिर हम पाँच दिन के लिए लाहौर चले गए मगर अभी आपका भाई जो है वो वापस आ गया तो वापस से ये शुरू करना क्योंकि ताकि रमज़ान में मैं सुस्त नहीं रहूँ सुस्त नहीं रहूँ और चुस्त दुरुस्त मुस्टंडा बन जाऊँ इंशाल्लाह। चलो रख ही देते हैं ये जो है वो जाएंगे किचन में फ्रिज में रखता है भाई बेगम जो है ना वो तप के धड़ा वड़ा धाम करके जो है ना कमरे में चले गई हैं फ्रूट फ्रूट खुद उठा के फूं फूं करते हुए। खैर ये जो है ना मामलात को भी थोड़ा टाइम हो गया है आपका भाई अभी जो है ना बस गेम लगा रहा है फिर अपन गेम्स के समाचार शुरू करते हैं। आपके भाई ने गेम अभी खेलना ही शुरू किया अभी 12% ही पूरा किया हुआ है मगर अब जो है टाइम देंगे उसको भी। आपके भाई ने ना गेम बहुत तेज़ आवाज़ में चला दी और मैडम जो है ना वो सोई है नहीं कब से बोल रही है कि मैंने काम से जाना था कोई दो तीन चीज़ें हमें लेनी थी तो मैंने उस पर भी इग्नोर किया हुआ है तो अभी आपका भाई जो है ना उस गोपचे में कैमरा लगा देता है मुझे पता है अभी ये बाहर आके बोलेंगे लेके चलें अपन करेंगे इस टाइम फुल खतरनाक वाला इग्नोर क्योंकि गेम में मस्त हो गया आपका भाई। जा रहे
Hey, what happened? गाड़ी की चाबी दे दे यार. Mission failed. We'll get him next time. Hey, यार. मैं खुद ही जा रही हूँ समाचार बनाया और आऊंगी. Take screenshot to move. Press the left and right buttons. Press cross to select. बे स्पाइडरमैन साले तेरे चक्कर में जो है ना मेरी गेम बन जाती है. खैर मैं भी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. मैं देखूँ ये जो है ना गुस्से में निकल गई. गुस्से में निकल जाएगी. कहाँ जा रही है? काम से जा रही हूँ. बता के निकली. होश आ गया है? अभी रुक जा मैं ले चलता हूँ. क्या हो गया? जा कर रही है. ये तो उस्ताद अब गेम ख़राब हो गया गाइस. ये प्रैंक मेरे पे भारी पड़ गया मुझे. भाई ये तो गाड़ी लेके ही निकल गई. चलो बोल गए. खैर मौसम बड़ा टाइट हो रहा है. मेरे लिए टाइट नहीं होगा क्योंकि मेरी जो है ना अब मेरी दीदी बचा देगी गाइस. ये वाली वीडियोस क्यों परवाइश करते हो सालों? अब मेरा गेम तो कैसे फोन से खेल लूँगा मगर अभी इनको मनाना मुश्किल हो जाएगा. ये आप लोग मेरे लिए जो है ना आज का दिन बड़ा मुश्किल हो गया गाइस. खैर ये तो मुझे पता है कि ये थोड़ा बहुत जो है वो छोटे मोटे सामान लेने थे वो लेने के लिए गई हैं. घर के भी लेने थे कुछ करीब से ही. चलो खैर है टेंशन नहीं है. गुस्से में मगर लाइव लोकेशन मंगा दूँ. बहुत ज़माने से आके भाई ने गेमिंग छोड़ी हुई थी. खैर अब वापस स्टोरी लाइन शुरू करी है माइल्स की. पहले क्योंकि पहले मैंने माइल्स एंड कंटिन्यूस किया था. स्पाइडरमैन 2 लेकर आऊँगा. ये मेरा घेर है. मैंने और भी स्किन्स वगैरह मंगाई हुई है पर मैंने इस पर शुरू किया. तो अभी मैंने शायद 13-14% गेम पूरा करा है. पर आपका भाई अभी जो है वो तक बेगम नहीं आ रही तो गेमिंग कर लेते हैं. जिम वाली बात थोड़ी सी सही थी कि अभी अभी आपके भाई ने वापस शुरू किया है. 2 दिनों में मतलब जब बेगम गई तो फाइनली क्रिकेट की बिस्मिल्लाह भी करते हैं. रैप शैप फाड़ के फटाफट से जैसे ही गेम लगाई तो भाई साहब 40 GB का अपडेट आ गया. सो जाना चाहिए. 2000 years later. आपका लाली भाई क्रिकेट खेल रहा था तो हुआ ये कि मैंने बोला चलो थोड़ा फेसबुक स्क्रॉल करते. फेसबुक से मैं अचानक लॉग आउट हो गया. इंस्टाग्राम पे मेरे लिखा आ गया कि भाई प्रोफाइल सेटअप करो. स्टेप 1 2 3 मैंने बोला लो बढ़ गया. मेरा अकाउंट हैक हो गया. मैं जिंदगी लुट गई अल्लाह. फिर मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला कि भाई क्या सीन है. पता लगा कि पूरे मुल्क में फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया. हमारे लसन लग गए क्योंकि किसी ने एक सेनेट में भी जो है ना दी थी अर्जी के भाई सारे सोशल मीडिया ऐप बैन कर दो. अबे सालो मुल्क को तो ठीक कर लो पहले. सोशल मीडिया की घुसे हुए हो तुम लोग अंदर. खैर अभी ये सुना है कि मिक्स्ड ओपिनियन आधे बोल रहे हैं कि हमारे नेशन वाइड मसला है. कुछ बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड मसला है. मेरे ख्याल से तो ये ग्लिच मुझे वर्ल्ड वाइड लग रहा है क्योंकि सभी लॉग आउट हो गए हैं. सबके साथ मसला हो रहा है. कुछ लोग ऐसे चौड़े के अबे हमारा तो ठीक चल रहा है तो मैंने जरा जाके मेरा अकाउंट तो देख. उसने जैसे ही रिफ्रेश करा तो उसके भी लग गलत सन के तड़के. खैर ये वाला मसला बहुत ही गंभीर हो गया भाई. फाइनली इंस्टाग्राम फेसबुक जो है वो स्टेबलाइज हो गया है. इट हैज़ बीन रीस्टोर्ड. मार्क ज़करबर्ग भाई जो टल्ली हुए थे उनकी खुल गई है तो फिर चीज़ें भी खुल गई हैं. अब ये हुआ है कि 2 घंटे हो गए धरना आपको आए और कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही हैं और इन्होंने डिनर भी नहीं करा है और वरनी मैं नहीं खा रही कुछ भी. तो मैं अभी जाता हूँ फाइनली. मैं अभी जो मेरी आँख लग गई थी खेलने खेलने के बाद तो जाके जो है ना बता ही देते हैं भाई. इससे ज़्यादा मैं जो है ना नहीं कर सकता. तो ये मेरा जो मामला है ना ये समझ लो कोई आसपास 17-18 घंटे रहें. 24 घंटे नहीं हो सकते भाई. मैं 1 मिनट नहीं कर सकता. तो अभी जाके देखते हैं क्या सीन है. लोग के चक्कर में प्रैंक तो कर लिया मगर ये जो मेरा व्लॉग होगा ना समझ लो उसके 5 दिन तक जरना मानेगी नहीं क्योंकि ये जब नाराज़ होती है तो बहुत गंदा नाराज़ होती है. तो बस अभी यहाँ पर मैं अपने हथियार फेंक रहा हूँ. बहुत मस्ती कर ली. इससे ज़्यादा मस्ती भारी पड़ गई. मुँह धो रही हैं जनाब. बाबा क्या कर रही है? तो फिर खाना खा ले. क्या हुआ? खाना खा ले. खाना खा लूं? हाँ खाना खा ले. तो खा लूंगी पहले आपसे कुछ खाती. साथ ही खाते हैं. क्यों? मैं भी टिश्यू दो. क्या हो गया? कुछ नहीं. नहीं खाना. नहीं भूख लगी भी. आपको लगी आप खा ले. तो आप साथ ही खाएंगे. क्या हो गया? नहीं मुझे भूख नहीं. आप खा लो. वजह? कोई वजह नहीं. बोले हैं क्या हो गया है?
बाबा क्या हुआ, क्या है बोले तो? कुछ भी नहीं हुआ, व्लॉग बंद करते समझ नहीं आ रही। अरे बंद कर दूंगा, मगर क्या हो गया? तो व्लॉग तो करते ही है ना, क्या हो गया? वजह क्या हो गया बोले तो? अरे कुछ नहीं हुआ लाली, छोड़ दे यार। अच्छा तो मूड क्यों खराब कर रही, क्या हुआ? नहीं मेरा मूड सही है। बोले अपने आप से पूछे आपका मूड कैसा था बाबा, सुबह से? मैं मस्ती। जब आपका मूड सही है तो बस मैं तब सही कर लूँ, जब आपका मूड खराब है तो मेरा भी खराब हो जाए। मूड मेरा सही था, मैं मस्ती कर रहा था कसम से, इधर बैठे थे, बता दूं क्या नहीं क्या नहीं यार बाबा। लाइट बंद कर दूंगी, जाए। अच्छा बात तो सुनिए, बात सारी देखिए, मेरी बात सुने। मैं सबने कहा था कि इग्नोर करना आप ही को, तो मैंने बोला चलो आज कर ही डालता हूँ, तो मैं सुबह से ये कोशिश ना काम कर रहा था, आपके साथ नहीं करूँगा मस्ती तो किसके साथ करूँगा। वो तो मुझे लोग बोलते सेकंड मैरिज प्रैंक करो, मैं ये अकेले जाना भी तो सीख गई कम से कम आप। अच्छा सुन तो ले बैठे। अच्छा चले अब बंदा सॉरी हो गया, अब सुलह कर ले। लाली मेरे मुंह पे हाथ नहीं लगाए। अच्छा अब बता सीरम लगा भी, चले खैर हो गई। हाँ, अच्छा बातें पढ़ लेना, रोज ही पढ़ती हैं, चले मेरी बात सुनना। अच्छा छोड़ दे। अरे बाबा मस्ती कर रहा था यार, अब आपको 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 लगता है मैं ऐसे कभी कुछ करूंगा आपके साथ? तो फिर अच्छा इतनी देर लगी थी आपको मार्केट में? खुद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्या कर रही थी? हैं अच्छा आई एम सॉरी। अच्छा सॉरी ना गुल्लू, सॉरी बाबा चले बस। अच्छा आई एम सॉरी, सॉरी नहीं करता, 24 घंटे का था मैं तो जगह में, अभी हिम्मत आ गया था, मैं तो उस वक्त हार जाता जब किचन में आप लड़ने आ गई थी। चले अच्छा बस बाबा, अच्छा ना चले ना सर, सॉरी कान पकड़ के सॉरी बोलना, सॉरी सॉरी चले चले बस दोस्ती। अरे बाबा मस्ती करो तो क्या? बाबा मस्ती करते सच्ची कसम से, सब तो सेकंड मैरिज प्रैंक बोले थे, मिलना वो सबसे घटिया प्रैंक है, मैं कभी नहीं करूँगा। मगर बाबा इग्नोरिंग वाला मैंने कोशिश करी, मैं तो नहीं कर रहा था, रात से ही ब्लॉग शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा सॉरी ना बाबा, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा बस, अच्छा बस आइसक्रीम खिला, आइसक्रीम आ गया खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। हाँ कौन सी खाएंगे, डोनट खाएंगे? डोनट चले वही ला के दूँ। गाइस ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन आप लोगों ने मुझे काम दे दिया था ना, उसके लिए पहले तो मैं बेगम को बहुत सॉरी बोलूँगा। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जनाब अकेले हॉस्पिटल गई थी, ऐसी ही जाऊँगी। चले मैं आइसक्रीम तो आपको ला के देता हूँ, बट सबसे पहले ये बोलूँगा कि आई एम सॉरी। बिल्कुल कितनी बदतमीजी की है मुझसे, चैलेंज का मतलब ये होता है। चले खैर हो गई ना, अभी आपने खाने पर भी इतना बोला, मैं रोज़ आपको खाना बना के देती हूँ। मैं रोज जन्ना पे खाने की तारीफ करता हूँ, पहली बार होगा कि मैं चुपचाप खाया, कुछ नहीं बोला, कुछ एक लफ्ज नहीं बोला। ना भी करा, अरे खाना टाइम पे नहीं खाना, ऐसे शुक्र है आज खाना मिल गया, जैसे कभी जिंदगी में मैंने आपको खाना नहीं बना के दिया। मैं उस दिन फ्लाइट से भी आती हूँ, आपको खाना बना के दिया। गाइज ये ब्लॉग जो है ना भाई, यहाँ पर हम खत्म करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अपुन जो है वो तंग नहीं कर सकता अपनी बीवी को। भाई अब जो है हम बस इतना करके अब ओवर एक्टिंग। तो भाई अगर आप लोगों को ये तंग करने वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार बरसा दो, और अब कुछ दूसरा चैलेंज दो जो मैं करूँ, कुछ बाज दोनों उसमें भाई, कोई मसला ना हो। मैं एक मिनट जरा आपको तंग नहीं कर सकता, और मैं पता नहीं कितनी मुश्किल से तंग किया था, सारे अरमान पूरे किए ब्लॉग के उसमें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, प्यार बरसा दो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाली आउट, सड़ी भी गुल भी आउट। ओके दा तो फिर दर्द तो होगा ना, आपके गुर्दों में दर्द है क्यों? क्यों नहीं खा सकते? क्या खाने से दिल नहीं चाहता, भूख नहीं लगती? शाम को खाना नहीं खा सकता, सुबह का चाय पीते हो? उल्टी आती है, सिर्फ ऐसे लगता है कि उल्टी आने लगी है। उम्र कितनी है? जब नहीं कुछ खाओगे तो कमजोरी होगी ना। बात तो सही है।